प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ चल रही विषयों के बारे में प्रजातांत्रिक तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे दुख के साथ बताना पड़ता है कि यह जो एल्डर हाउस है, यह जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हाउस है, यहां पर जिस तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को ताक पर रखकर ये हाउस को होस्टेज बनाने का प्रयास हो रहा है, हाउस को एक तरीके से कार्य करने में जो रुकावट पैदा की जा रही है, ऑनरेबल मेंबर्स, वन सेकेंड, ऑनरेबल मेंबर्स, व्हाट इज हैपनिंग? इज दिस यू शुड बी डूइंग इट? यू आर वर्चुअली डांसिंग एंड सागरिका घोष, यू राइट कॉलम एवरी वीक, दिस इज व्हाट यू हैव अर्नड ऑल योर लाइफ, व्हाट्स रॉन्ग विद प्रियंका चतुर्वेदी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? Honorable members, it has been a day. कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बाकायदा डिस्कशन हुआ, जिसमें डिप्टी लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी भी उपस्थित थे, तृणमूल कांग्रेस के भी लोग उपस्थित थे, सभी पार्टियों के लोग उपस्थित थे, और वहां ये निर्णय हुआ था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए वी विल एलोकेट 21 आवर्स, 21 घंटे दिए जाएंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले राष्ट्रपति अभिभाषण के लिए 21 घंटे कभी भी एलोकेट नहीं हुए हैं। मैं चेयर का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन वहां सहमति होने के बावजूद आज सवेरे सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का जो विषय लाया गया, ऐसा नहीं है, नीट पहले भी था, नीट का विषय बीएससी में भी आ सकता था, लेकिन मनसा नहीं थी, मनसा हाउस को डिस्टर्ब करने की थी, और इसलिए आज सस्पेंशन लेकर के आए, और सस्पेंशन ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस को करके ये इस तरीके की स्थिति खड़ी की गई। मैं यहाँ अध्यक्ष महोदय आपसे बोलना चाहता हूँ दैट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस पार्टी कमिटेड थी कि उन्होंने डिस्कशन नहीं करना है, दे वर प्री डिसाइडेड एंड दे वर प्री डिटर्मिन्ड, दैट इज व्हाई आई फाइंड दैट इन द स्पीकर्स लिस्ट, इन द लिस्ट देयर इज नो नेम ऑफ कांग्रेस पार्टी, दिस शोज दैट दे वर नॉट सीरियस अबाउट द डिबेट, एंड राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद में 21 घंटे में जितनी बात आपको एनईईटी पर करनी है उसका पूरा मौका मिलता है, और सरकार जवाब देने के लिए तत्पर भी है और जवाब देगी, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। माननीय सदस्यगण, वन सेकेंड, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं, भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे,